अस्सलाम वालेकुम, शाजिया द एग्नी बैल्कनी के साथ हाजिर है। और आज सुनने में तो यही आया है कि हमें दो ड्रामों के रिव्यू सुनने को मिलेंगे। और आवा लेकर आई है हमारी रेजिडेंट चूड़ी। कुछ लोगों ने मुझे जो लेटर्स आए हैं, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, उसको कहा गया है कि मेट मत बोले, चूड़ी बोले। तो कहा भाई चूड़ी, लेट्स बिगिन, वेयर आर यू? तो
फनी आवा ओके इसके अंदर मैं थोड़ी सी यही बात कहूंगी कि कश की जहां तक बात है वो तंग आ चुकी है आस्ताने में बैठ बैठ के मगर लाइक दिस इज माय थिंकिंग के she should take it as a profession because this is all she does. तो ये उसका काम है and she is gifted naturally. वो जब dream देखती है तो वो सच्चा भी होता है and she is helping people this way. So इसके अंदर जो वजदान कह रहा है कि I'll take you away from the Astana और तुम्हें अब ये नहीं बैठना पड़ेगा और क्या but she should you know think positively. There's a thing of thinking positive. You know glass is half full or half empty. तो इसको कश्यप को दिख रहा है हाफ एम्प्टी हाफ फुल ये है कि वो लोगों की वाकई हेल्प करती है. हाँ उसके अब्बा बीच में पैसे वैसे लेते हैं वो अलग बात है मगर आप अगर एक प्रोफेशनल हैं तो आप जब छुट्टी लेते हैं तो आप बकायदा छुट्टी लेके जाते हैं और आप वापस यू कम बैक टू योर वर्क एंड शी इज रनिंग अवे फ्रॉम हर वर्क दैट आई थिंक इज वो अजीब बात है. इसमें तो मुझे यही कहना था. और जो दूसरा ड्रामा है बिखरे मोती दैट इज़ वेरी सैड कि एक बच्चा बल्कि दो बच्चे एक की शादी हो जाती है एक मोलेस्ट हो जाता है. माँ जब चली गई है तो अब बाप उसका सब कुछ है. द फादर शुड रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई होप कि एक ये प्ले जो है ये अच्छे करवट बैठे और जो कैरेक्टर है जो जुल्फी का वो रियलाइज करे कि ये मुझसे गलती हो गई है और अगर वो स्ट्रांग हो तो उसकी माँ क्या कर सकती है किसी का. तो अभी तक तो यही है. अब हम इजाज़त चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय. और आवा की तरफ से भी बाय बाय. वो मुझे वहाँ से इशारे कर रही है. बाय.